भगवते वासुदेवाय नमः। आज पौराणिक कहानी रे आलोचना करी हनुमान एवं अर्जुन भितर सेतुबंध को नहीं कौन जुक्तितर्क होता ता विषय विशेष कर आलोचना करी। हनुमान कहिले अर्जुन को सेतुबंध देखिछ तार दीर्घ प्रस्त उच्चता मापिछ मो परी एवं मो ठारु अधिक दीर्घकाय लक्षाधिक बानर अउच्छुक पर्वत मान धारण करी से सेतु उपरे लंका को यात्रा करिथिले। सर द्वारा निर्मित बंध सेमानंकर भरा सही थांता कि से मध्य चाहिथिले सररे सेतु बांधि पारिथांते स्वयं प्रभु रामचंद्र, किंतु केते भार सही थांता, केते समय रही थांता से बंध। देख गोटाए जुग परे भी से बंध सेमिति अक्षुण्ण रहिछि। अर्जुन कहिले मते तुमर सेतु बंध देखेइबो। अर्जुनक भितर अहंकार थिला, से हनुमान को कहिथिले जे से भोलिया सेतुबंध मु सररे बांधिदेवी। एवं से जो हनुमान सहित जो चैलेंज करिथिले ताकू नै एई आलोचनाटी। आस आस बोली हनु कढ़ाई बाट दिवसे हेले जाए महोदधि तट। महोदधि तटे दुईज पहुँचिले हनुमान एवं अर्जुन। सेतुबंध को देखाई मारुति कहिले मात्र पांचटी दिन में एक शत जजन दीर्घ एई विशाल सेतु श्री रामंकर रक्ष कपि सेना बांधि देथिले। अर्जुन कहिले चाहिले मु समग्र सागर को बांधि दे पारिबी मोर एई स्वररे। एबे एतिकी दीर्घ प्रस्त उच्चता बंधटिए मु तीन खंड मध्यरे बांधि देछि। देख से अर्जुन निजर स्वर भेदी से गोटे स्वररे सेतु बांधि देले। एवं अर्जुन गांडीबरे मन भेदी स्वर को बसाई तांको निम्न मते अभिमंत्रित कले। तापरे रामदूतंकर अहंकार थिला जे बानर औत्सुक मिसी सेतुबंध बांधिबा भळी जौं कालजयी असाध्य कार्य साधन करिछंती ना भूत ना भविष्यत सेपरि केही केबे करि नाही किंबा करि पारिबे नाही। किंतु अर्जुनंकर एही जुक्तितर्क तांको क्षोभ लागिला। हनुमानंकु समुद्र को बांधिबा केवल दुसाध्य नुहे असाध्य कार्य, किंतु तांक सम्मुखरे सामान मानवटिए स्वरें सगर बांधि देथिला। एटी हनुमान को टिके क्रोधित आसिला, निजर अहंकार जहाँ थिला ताहा अंतर्निहित हो जाइथिला। एबे तांको प्रभुंकर प्रतिष्ठार प्रश्न थिला। कहिले हनुमान ए बंध सलरे निर्मित पोल परि दिसुचि, एहा उपरे लक्षाधिक बानर चढ़िले एहा सहीब त? हनुमान कहिले अर्जुन को, अर्जुन कहुचंदी तुम्भ मानंकर सहित देव दानव गंधर्व मिसी छिड़ा हेले भी ए बंध हलिबो नाही। हनुमानंकर अंतरात्मा आहत हला, से मने मने प्रभु राम को स्मरण कले, प्रार्थना कले जो अपराध रे आज आपण भक्त को एक क्षण देउछंती एबे मोर नुहे आपणकर महिमा विखंडित होउची प्रभु। ना हनुमान कदापि तार स्वामींकर मर्यादा सहिबो नाही। से अर्जुन को कहिले एते अहंकार भल नुहे युवक, अन्य मानंक कथा छाड़ जदि एका मोर अजन तुमर ए स्वरबद्ध संभाली पारिब भाई स्वरें तैयारी पलटी संभाली पारिब तेबे मुहे तोर वीर मध्यरे गणिबी, नहले चापड़े मारी मुंड छिड़ाइबी। अर्जुन ताच्छल्य कला परी हसिले, कहिले उठ से बंध उपरको उठ ता उपरे नृत्य कर लंप प्रदान कर से सेतुरे तिले मात्र कंपन सृष्टि हेबो नाही। रागरे हनुमान विश्वरूप धैला शून्य मंडल रे तार मस्तक लागिला जेते तोही रही थिले बानर बाहिनी लांगुळरे बसाइला हनु महाज्ञानी गळारे बांधिला सेतु सहस्र पर्वत लम लम के बांधिचि गिरी सत सत। अर्जुनंक संगरे आसीथिबा गरुड़ निजर काया को संकुचित करी सामान्य पक्षी रूप से निकटरे थिबा गोटे वृक्ष उपरे बसी ए सबु देखुथिले। पवन पुत्रंकर भयंकर रूप देखि से चिंतारे पड़गला, विचार गरुड़ ए पार्श्व नाश कला हनुर तुले कंपाई विवादी होइला। एई गरुड़ और अर्जुनंकर प्रार्थना रे प्रभुंकर आसन टळिला। विलंबरे अनर्थ घटिबार संभावना थिला, वासुदेव अविलंबे बारानिधि तटरे उपस्थित हेले। अर्जुन और हनुमान उभय तांकर भक्त थिले,
एवे अर्जुन तांकरी कार्यरे आसीथिले बंध भांगिले सर्त अनुसार हनु अनु अनु अर्जुनंकर मस्तक गोटे चापुडारे छिड़ाई देवे। हनुमान बंध उपर को उठिबा पूर्वरु स्वयं श्रीहरि एक विशाल मत्स्य रूपरे बंध तले अवस्थान कले। हनुमान प्रचंड हुंकारे सह जेतेबेले सेई बंध उपर को उठिगले तांकर विपुल भरा सही न पारि गोविंदंक मुखरु रुधिर निर्गत हला। हनुमान प्रश्न कले सागरर जल लोहित वर्ण धारण कला काहिंकि। अर्जुन कहिले संभवत सरमानंकर कलंकी धई जाई सेपरी होईछि। हनुमान तटस्थ हेले विश्वरूप धारण करिथिबा समय रे पावनींकर दिव्य ज्ञान उदय हेला। से अर्जुन जे कृष्ण सखा तृतीय पांडव ताहा जानी पारिले। तापरे उभय भक्त महदधि जल लोहित वर्ण धारण करिबार कारण जानी पारिले। दुख अक्षोभरे भयंकर मस्तक अवनत होइगला। दुहें प्रभुंकर पाद तले प्रणाम कले निज निजर अभिमान पई क्षमा प्रार्थना कले। एबे द्वितीय वर्णना को आसीबा अर्जुन प्रतिज्ञा करिथिले जे जदि तांकर स्वरबद्ध भांगी जाए से अग्नि रे प्रवेश करिवे। हनुमान बंध उपरे चढ़िबा मात्रे बंध भांगी गला। पार्थ अग्नि जाली प्रवेश करिबा पूर्वरु श्रीकृष्ण उपस्थित होई फाल्गुनी को तांकर ए प्रकार उद्यम रु निवृत्त कले। तांकर अभिमान निराधार बोली प्रभु तांकु आश्वस्त कले। से कहिले हे अर्जुन अहंकार मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ शत्रु विशेष करी वीर मानंक पई एहा भूषण नुहे दूषण। अर्जुन प्रभु रामचंद्रंकर अपमान करिथिबारु निजर पाप प्रख्या लोन पाई अग्नि प्रवेश करुछंती बोली कहिले। श्रीकृष्ण कहिले मु तुमको क्षमा करि देछि तुमर आत्मदाहर आवश्यकता नाही। से पार्थंको हनुमान रो महिमा ज्ञात कराइले। हनुमान मध्य अर्जुन को अनुजर स्नेह सह आलिंगन करी प्रतिश्रुति देले जे से तांको रथर ध्वजा उपर अवस्थान करिवे। तृतीय वर्णना रे अर्जुन सररे बद्ध बांधिबा बेले हनुमान श्री राम को ध्यान करुथिले। अर्जुन निजर धनुर्विद्या पई गर्व करुथिले तेणु हनुमान चढ़ीबार बंध भांगिला भांगी गला धनंजयंकर दर्पर सेतु। से निजर भूल बुझी पारिछंती। बंध भांगी जिबा परे जणे ब्राह्मण सेठार उपस्थित होईछंती। पार्थ को अग्नि प्रवेशरो निरस्त करिबाकु जाई से कहिछंती एपरि घटीछि बोली मोर विश्वास हेउ नाही। केही जणे साक्षी रहिबा आवश्यक समग्र अनुष्ठानर पुनरावृत्ति हो। अर्जुन प्रभुंको स्मरण करी आउ थरे सररे बंध बांधिले। हनुमान निश्चित थिले जे बंध भांगिबो तेणु से श्री राम को ध्यान करिबा को भूली गले। एथर अर्जुन जीतिले हनुमान चढ़िले मध्य बंध भांगिला नाही। ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण आत्मप्रकाश कले त्रेतया एवं द्वापर दुई शक्तिशाली योद्धा हृदयंगम कले जे एकमात्र विश्वसनीय बा विश्वनियंता ही सकल शक्तिर आधार। तांकरी शक्तिर अणु मात्रे प्राप्त होई हनुमान महावीर धनंजय धनुर्धर तांकर करुणा अभावरे मारुति मात्र एक मर्कट एवं पार्थ केवल पृथानंदन। तुहें श्रीकृष्णंकर पाद तले पड़ी निज निजर अहंकार जनित पाप प्रक्षाळन कले। ए आलोचनाटी जदि आपणको बहुत ही भल लागिछे अहंकारर प्रार्थनाटी आज मु आपण मानक सम्मुखरे आलोचना कले जे मनीष जीवन रे प्रभुंकर जदि नाटी थाए ताहले सिए ही जीति पारिबो एवं जे प्रभुंको भल पाएनी पूर्ण मात्रारे समर्पण करेनी बा तांको प्रति तांकर श्रद्धा न थाए ताहले कौनसी कार्य सिद्ध हो पारिबो नाही। जहाँ भी हो ये आलोचनाटी जदि भल लगी थाए ताहले कमेंट बक्स रे कमेंट करिबे मु नुआ नुआ कथा नहीं आसीबी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।